चंद्रयान ने चांद से खजाना भेजना शुरू कर दिया है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान ने एक ऐसी तस्वीर भेजी है। यही वो खजाना है जिसके लिए दुनिया भर की महाशक्तियां पाने के लिए तड़प रही हैं। दुनिया साउथ पोल का रहस्य जानना चाहती है। इन खजानों को जिसने भी सबसे पहले पा लिया वो चांद की महाशक्ति बनने में कामयाब होगा। साउथ पोल में चांद के अलावा क्या रहस्यमयी चीजें छिपी हुई हैं? साउथ पोल की इन्हीं खूबियों की वजह से भारत के पीछे पीछे रूस और अमेरिका भी अपने मिशन्स चांद पर भेज रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही खास जानकारी आपको मिलेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है, दुनिया भर की निगाहें भारत और उसके मिशन मून पर लगी हैं। चंद्रयान 3 चांद की अलग अलग तस्वीरें भी धरती को लगातार भेज रहा है। चंद्रयान 3 का यही लक्ष्य है कि वो 23 अगस्त को साउथ पोल पर अपना कदम रख दे। इसरो में बैठे वैज्ञानिक पल पल चंद्रयान पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच दुनिया की महाशक्तियों ने भी अपने अपने मिशन मून को हवा देना शुरू कर दिया है। रूस ने तो हाल ही में मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है, और उसकी कोशिश चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की है। वही अमेरिका भी अपने मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है। चीन भी अपने मिशन मून का ऐलान कर चुका है। वैज्ञानिकों की माने तो रूस चांद पर खजाना खोजने के लिए सबसे पहले पहुंचना चाहता है। यदि नासा का मिशन आर्टेमिस शुरू होता है तो वो भी चाहेगा कि चीन के साथ साथ वो भी चांद की सतह पर जल्द पहुंचे। लेकिन हम भविष्य की ओर देखें तो ये साफ है कि आने वाले दिनों में वहां औद्योगिक गतिविधि बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं तब दुनिया भर के देश आपसी समझौता करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब वैज्ञानिकों की नजर रूस और भारत दोनों के मिशन मून पर टिक गई है। रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर उतर सकता है। लंबा चक्कर लगाकर चंद्रमा पर पहुंचने वाले चंद्रयान 3 में ईंधन का प्रयोग कम करने से अधिक वैज्ञानिक जांच उपकरण ले जाए गए हैं। लूना 25 को रूस ने चंद्रमा की ओर शुक्रवार 11 अगस्त को रवाना किया है। ये सीधे चंद्रमा की ओर जा रहा है और 5 दिन में चंद्रमा के ऊपर 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच जाएगा। पृथ्वी से सीधे चंद्रमा तक जाने के लिए लूना 25 को अधिक ईंधन खर्च करना पड़ा है, इसलिए वह अपने साथ सीमित जांच उपकरणों को लेकर जा रहा है। वह 1 साल तक चंद्रमा पर रहेगा। इसके विपरीत चंद्रयान 3 लंबी दूरी का चक्कर काटकर चंद्रमा पर पहुंच रहा है। ईंधन कम से कम खर्च करने की रणनीति से चंद्रयान ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को सीधे चुनौती देने के बजाय उसकी शक्ति का प्रयोग आगे बढ़ने में किया है। वह 2 सप्ताह तक चंद्रमा पर रहेगा, लेकिन पृथ्वी पर ज्यादा जानकारी दे सकेगा। लूना 25 और चंद्रयान 3 से मिलने वाले जांच आंकड़ों में सभी वैज्ञानिकों की दिलचस्पी है। लूना 25 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 21 अगस्त को उतारने की तैयारी है, जबकि चंद्रयान 3 वहां 23 अगस्त को उतरेगा। इससे चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने के साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी रूस के नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन चंद्रयान 3 से चंद्रमा के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी। चंद्रयान 3 का वजन 1752 किलोग्राम है, वहीं लूना का वजन 800 किलोग्राम है। चंद्रमा तक पहुंचने के लिए लूना को ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ा है, इसलिए वह उसका पेलोड कम है। चंद्रयान का आर्बिट्रेटर इस दौरान परावर्तित प्रकाश की मदद से पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों की खोज भी करेगा। लूना 25 से इतनी अधिक जानकारी मिलने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि चांद पर पहुंचने की होड़ मचने का एक कारण और भी है। दरअसल चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर वहां पानी की खोज भी करेगा, इसलिए वो चांद के साउथ पोल की ओर ही उतरने का लक्ष्य रखे हुए हैं। इस बीच दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को लगता है कि अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करने के लिए चांद पर सुरक्षित लैंडिंग कर वहां रॉकेट फ्यूल किए जा सकते हैं। यानी अगर मंगल मिशन पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लॉन्च पैड मिल सकता है। यहां चांद पर पानी मिलने की सूरत में पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर फ्यूल तैयार किया जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि चांद पर कई बेशकीमती खनिज हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी चांद पर पहुंचे की होड़ महाशक्तियों में शुरू हो गई है। रिसर्च के मुताबिक हीलियम 3 चांद पर मौजूद है, जो पृथ्वी पर बेहद दुर्लभ है। नासा का कहना है कि 30 लाख टन हीलियम 3 चांद पर मौजूद है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक हीलियम 3 का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में किया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह रेडियोएक्टिव नहीं होता, जिससे यह खतरा पैदा नहीं करता। इसके अलावा स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े खनिज चांद पर मौजूद हैं। लेकिन चांद पर खनन कैसे होगा,
इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। माना जाता है कि भविष्य में इस तरह की रिसर्च को भी किया जाएगा, जिसके लिए चांद पर जगह तलाशना जरूरी है। फिलहाल चंद्रयान 3 और लूना 25 मिशन चांद पर आगे पीछे पहुंचेंगे, यानी 21 से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रमा पर दो दो नए मिशन साउथ पर पहुंचकर चांद का खजाना छूने की कोशिश करेंगे। इस बीच चांद के आसपास स्पेसक्राफ्ट का ट्रैफिक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के देश अपने अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए संभल कर चल रहे हैं। यही नहीं माना जा रहा है कि चांद पर पहुंचकर कई रहस्यों से भी पर्दा उठेगा, जिसके बाद एक बार फिर वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। अपने मिशन में चंद्रयान का रोवर साउथ पोल का परीक्षण करेगा। रोवर देखेगा कि चांद की मिट्टी कैसी है, वहां और कौन कौन से एलिमेंट मिल सकते हैं। चंद्रयान को चांद के उस हिस्से में पानी भी मिल सकता है। साउथ पोल एक तरह से चांद का जैकपॉट है। इस जगह पर सबसे पहले पहुंचने के लिए दुनिया भर के देश बेताब हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर पानी की खोज साउथ पोल के पास ही हुई थी। साउथ पोल अमूमन सूर्य की रोशनी से दूर रहता है, इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ जमा हुआ पानी मिल सकता है। पानी के अलावा यहाँ दूसरे जरूरी पदार्थ भी मिल सकते हैं। साउथ पोल चांद पर स्टडी करने के लिए अब तक का बेस्ट पार्ट होगा, और इसीलिए भारत ने चंद्रयान को साउथ पोल फतह करने के काम में लगा दिया है। चंद्रयान ने भी चांद से खजाना भेजना शुरू कर दिया। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान ने धरती की खूबसूरत तस्वीर भेजी है। यही वो खजाना है जिसे पाने के लिए दुनिया भर की महाशक्तियां तड़प रही हैं। दुनिया साउथ पोल का रहस्य जानना चाहती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि चांद के साउथ पोल पर कुछ रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं, और उन चीजों को जिसने भी सबसे पहले पाया वो चांद की महाशक्ति बनने में कामयाब होगा। साउथ पोल में चांद के अलावा क्या रहस्यमयी चीजें छिपी हुई हैं? साउथ पोल की इन्हीं खूबियों की वजह से भारत के पीछे पीछे रूस और अमेरिका भी अपने मिशन्स चांद पर भेज रहे हैं। दोस्तों, आप यही दुआ करो कि हमारा मिशन सक्सेस हो।